चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय मीठे बोल के एक नए एपिसोड में आपके पास लेकर आए हैं कुछ अलग से कुछ खास। असली भक्त तो वो होते हैं जो संतों के चरणों में पड़े रहते हैं, आवाज आने से पहले उनकी सांसों के पास पहुंच जाते हैं, दर्शनों में अभिभूत होते रहते हैं, उन्हीं के पास हर बार दर्शन करने जाते हैं। पर आज अब कहते हैं असली मुनि भक्त तो वो है जो संत के पास जाता ही नहीं है। कमाल की बात, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा काल में बदलाव आ गया कि अब असली मुनि भक्त वो है जो संत के पास नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट को भी स्टे ऑर्डर लाना चाहिए कि अब कोई मुनि भक्त अपने संत के पास नहीं जाए। इतनी बड़ी बात आखिर क्यों कहना पड़ा, सुनिए सीधा सीधा मुनि पोंगा श्री सुधा सागर जी से जो उन्होंने कहे। अभी सबसे बढ़िया भक्त कौन है जो मेरे दर्शन करने नहीं आ रहा है? मैं बड़ा उन भक्तों से बहुत खुश हूं। सारे भक्तों से मेरा कहना है, साधुओं पर तुम्हारी सबसे बड़ी कृपा है उन भक्तों की जो साधुओं के दर्शन करने नहीं आ रहे। सही भक्ति है, हमारा साधु हमारा गुरु सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, क्योंकि दूर दूर से लोग आकर के और पास में आके दर्शन करने का भाव करते हैं, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो किस तरीके से कोरोना अपना पैर फैला रहा है, पर डे के 40,000 हो गए, और अभी जब तक लॉकडाउन रहा तब तक जैनियों पर इसका कोई कहर नहीं था, लॉकडाउन खुलते ही सबसे ज्यादा जैनियों में फैल रहा है और मौतें सबसे ज्यादा जैनियों की हो रही है। सारे भारत की जैन मौतों का परसेंटेज 3% है और जैनियों की मौतों का परसेंट 5% है जैनियों में। क्यों? जैनी व्यापारी है, जैनी जैसे ही घर से बाहर निकलता है 100 लोगों से मिलता है, इसका रेपुटेशन है, उसकी रेपुटेशन है, क्या करे वो, क्या करे। जैनी की इतनी सीआर होती है कि वो कर्ण से बाहर निकलते ही उसके आगे पीछे दिन भर में 100 लोगों से उसका संवाद होता है, किसी ना किसी रूप में होगा, जैनी है। एक मजदूर बाहर निकलता है वो किसी से संबंध नहीं रहता उसका, किसी से सीधा मजदूरी करने जाता है, लेकिन जैनी की सीआर इतनी है, जैनी की इतनी रेपुटेशन है कि वो 100 लोगों से मिलता है, और परिणाम ये हो रहा है जवान जवान मौतें हो रही। अभी एक गुना के अंदर पूरी कॉलोनी के अंदर एक जवान मौत हो गई जैनी की, बहुत अच्छा बच्चा था, और उसका और वो मंदिर का पूरा मंदिर सील कर दिया गया, पूरी बांसपुर कॉलोनी ना, बांसपुर कॉलोनी पूरी की पूरी कॉलोनी, पूरा पूरी कॉलोनी दहशत में है। अभी मेरे पास समाचार आए एसके जैन साहब के कि महाराज पूरी कॉलोनी का सैंपल लिया जा रहा है, मंदिर गवर्नमेंट ने सील कर दिया। तुम्हारे आने से यदि साधु का स्थान सील हो जाए तो कितना दुर्भाग्य का काम है, कितनी बड़ी बात, पूरा मंदिर सील हो गया, बढ़िया अभिषेक पूजन चल रहा था, और वो भी एक व्यक्ति वो भी वहां अभिषेक करने आता था, लेकिन व्यापार करने भी जाता था, वो भी मंदिर आता था व्यापार करने भी जाता था, और पूरी समाज भी वहां थी। अब पूरी समाज पर संकट है बांसपुर कॉलोनी के ऊपर, सबके सैंपल भरे जा रहे, सबके व्यापार घर से निकलना बंद कर दिया, पूरी कॉलोनी को बिल्कुल लॉकडाउन करके सील कर दिया क्योंकि उसकी मौत हो गई। तो आप लोगों से मेरा कहना है थोड़ा धार्मिक उन्माद पर कंट्रोल करें, व्यापारिक लोभ पर कंट्रोल करें। मैंने पहले ही कह दिया हर व्यक्ति को 2020 की सबसे बड़ी कमाई है जीवन की सुरक्षा, सबसे बड़ी कमाई है परिवार की सुरक्षा, सबसे बड़ी भक्ति है गुरु की सुरक्षा, सबसे बड़ी भक्ति है। तुम लोग दर्शन करने आते हो, यहाँ से वहाँ से महाराज के पास जाने का प्रयास करते हो, दर्शन करने की भीड़ में आते हो, और कोई किसी प्रकार की थोड़ा सा वायरस तुम कोई छोड़ गए तो पूरा मंदिर। सारे भारत के मुनि भक्तों से मेरा कहना है कि अपनी मुनि भक्ति पर कंट्रोल करो, मार्शल ला लगाओ, स्टे लगाओ, और इस समय मुनि भक्त वही सबसे बड़ा मुनि भक्त माना जाएगा जो साधुओं के दर्शन करने नहीं जाएगा। साधुओं के दर्शन करने नहीं जावे वो सबसे बड़ा मुनि भक्त है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के कारण से साधुओं को गुरुओं को संकट में नहीं डालना चाहता, अपने स्वार्थ के कारण।
तुम दर्शन करके कितना पुण्य कमा लोगे, तुम दर्शन करके कितने पाप काट लोगे, तुम्हें गुरु के दर्शन करने से कितना पुण्य मिलेगा। यदि उस स्थान पर कुछ हो गया, गुरु को कोई हानि हो गई, तो उसका हानि कितनी होगी ये बता दो। लाभ तुम्हें दर लाभ कितना हुआ, एक मिनट को आए, पांच मिनट को आए, दर्शन कर गए और वहां तुम्हारे कारण से तुम आए, भगवान का अभिषेक करके चले गए, तो उस अभिषेक तो तुम्हारी तो जिंदगी निकल गई अभिषेक करते करते। एक अभिषेक करने से तुम्हारे लिए कितना पुण्यबंध होगा, और पूरा मंदिर सील हो गया, पूरा तीर्थ सील हो जाएगा। आचार्य के पास, आचार्य के भक्तों से मेरा कहना है, गुरु की तबीयत थोड़ी सी समय ठीक नहीं है और ठीक हो रहे हैं, भक्तों से मेरा कहना है वहां जाकर के आचार्य को संकट में ना डालें, आचार्य के संकट को ना डालें, वहां का संकट ना बढ़ाएं, जाने की चेष्टा ना करें, उस एरिया में ना जाएं। जाकर के भीड़ कर लेते, महाराज को आकर के ऊपर जाकर कहीं आशीर्वाद देना पड़ता करुणावश, जाए नहीं, कोई भी नहीं जाने की जरूरत है किसी। और सब साधुओं के पास जितने जो भक्त हैं, सब भक्तों के लिए स्टे आर्डर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल करो और साधुओं को सुरक्षित करो। जाना है तो फिर पूरा क्वारंटाइन वहां करो, ऐसे ही नहीं कि गए दर्शन करके और भाग आए, बीमारी छोड़ के आ गए वहां पर, क्योंकि रास्ते में तुम कितनों से छुके आए, तुम कितने व्यापारियों को जा रहे हो, कितने व्यापार कर रहे हो। तो तीर्थ क्षेत्रों को और साधुओं को सुरक्षित बचाओ। और दूसरी बात है कि आप लोग जब के जैसे आते हैं, कोई मान लो कोई साधुओं की व्यवस्था करना है, चौकी करना है, तो बराबर जो क्वारंटाइन होता है वो पूरा क्वारंटाइन कीजिए। फिर कम से कम ऐसे नहीं आए कि आए दो चार दिन के चले गए, महीने भर का आपके पास टाइम हो तो पहले तो 8-10 दिन का क्वारंटाइन करो पूरा, फिर बाद में अंदर प्रवेश करो। कम से कम महीना भर का टाइम हो तो आओ, नहीं तो फिर आप अपने घर में ही रहिए।